खेसारी लाल यादव रानी चटर्जी का नागिन मूवी, जब नागिन मूवी आया था तो खास खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का सुपरहिट जोड़ी माना जा रहा था उस समय, क्योंकि रानी चटर्जी का और खेसारी लाल का उस समय का सबसे सुपर डुपर हिट मूवी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी की कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी और खेसारी लाल यादव के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, इसके वजह से दोबारा उनकी कोई भी मूवी नहीं आई। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि रानी चटर्जी का उस समय सिंगल ही एक हीरो के टाइप में उनके खुद की मूवी आ रही थी जो सुपर डुपर हिट जा रही थी, इस चक्कर में खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी कोई दोबारा मूवी आई ही नहीं। लेकिन सूत्रों से माने इस खबर को देखा जाए तो खेसारी लाल यादव के नए नए हीरोइन यानी कि कहे एक तरह से देखा जाए तो काजल राघवानी के साथ बहुत ही चिपकी पिक्चर आ रही थी। खेसारी लाल यादव काजल राघवानी के अलावा और किसी हीरोइन के साथ शायद ही खेसारी लाल की मूवी आई बीच में। लेकिन जब से खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी का नागिन स्टार्ट हुआ उसके बाद काजल राघवानी खेसारी लाल के मूवी में आना बैक टू बैक खेसारी लाल काजल राघवानी की मूवी आने लगी उसके बाद, और रानी चटर्जी खेसारी लाल दोनों अलग अलग अपना मूवी में काम करने लगे, क्योंकि रानी चटर्जी भी अपने मूवी के जिस मूवी में काम कर रही थी वो किसी हीरो की खास जरूरी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि रानी चटर्जी हीरो का ही काम कर रही थी। और उसके बाद रानी चटर्जी की मूवी सुपर डुपर हिट जा रही थी, खेसारी लाल यादव का अलग था, पवन सिंह अन्य अन्य कलाकार का सब अलग अलग अपना सबका एक सेटअप बैठा हुआ था, सबका अंपारी दुबे निरहुआ जी के साथ अक्षरा सिंह पवन सिंह का जोड़ी बना हुआ था, और इधर काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का जोड़ी बना हुआ था। इस बीच में देखा जाए तो वो सब अपने अपने टूर पे बैठे हो रूपे ऐसा नहीं बुझाला देखी सूरज।